हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आपका आज नंबर 7 का आयशा सिर्फ असेलिंग, ठीक है। नाम आपका आयशा असेलिंग, ये आपका बेटा पोयम है और इसमें जो है आपको पेज नंबर 34 से पर जाए कंपास चेकअप ए है आपका कंप्लीट द सेंटेंसेस, ठीक है। ए दिया आपका कंप्लीट द सेंटेंसेस, कंप्लीट द सेंटेंसेस आपको जो है यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है और आपको उसको कंप्लीट करना है। पहला आपका है द बॉय सॉ अ ये दिया बेटा आपका करा द बॉय सॉ अ, यही लड़के ने जो है एक देखा, क्या देखा, यहाँ से आप पोएम देखते हैं लिखा है आई सॉ अ शिप सेलिंग ऑन द सी, यानी मैंने जो है एक तैरते हुए नाव को, ठीक है, सेलिंग करते हुए एक जहाज जो है पानी का जहाज, पानी का जहाज होता है, उसको जो है समुद्र में तैरते हुए देखा। आई सॉ यहाँ से क्या हो जाए बेटा आई है देखा है वो या पबुआ है आर एल स्टीवेंसन के द्वारा यह जो है पोयम राइट किया गया है, ठीक है। याद करें आप भरेंगे इसमें शिप और सेलिंग दबार सा और शिप और सेलिंग, ठीक है बेटा। सेकेंड है आपका द शिप है फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। द शिप है फिल इन द ब्लैंक क्या होता है, शिप में जो थी शिप में क्या फील, ठीक है, शिप में जहाज में क्या था, तो आप देखेंगे यहाँ से एंड इट वॉज सेफली लेडेड, मानी इसमें जो है आपका लगा हुआ था, भरा हुआ था विथ प्रीति सिंह फॉर मी, मेरे लिए, ठीक है। जहाज में जो है जो अधिक चीजें भरी हुई थी, बहुत चीजें भरी हुई थी, ठीक है। प्रीति सिंह क्या सकता, प्रीति सिंह यानी कि सुंदर वस्तुएं फॉर मी, मेरे लिए जो है सुंदर वस्तुएं उसमें रखी हुई थी। यहाँ से पता हो जाएगा द शिप है प्रीति थिंग, द शिप है प्रीति ई आर टी डबल क्यू आई प्रीति थिंग एन आई एन बी एन, ठीक है। द शिप है प्रीति थिंग, ये हो जाएगा थर्ड आपका द टॉप इज वेयर इन द फिल द ब्लैंक, द टॉप इज कैबिन, कैबिन बेटा क्या होता है, कैबिन आपका
जहाज में आपका है कैबिन, ए रूम इन अ से, जहाज में एक रूम होता है, छोटा सा रूम होता है, उसे हम कैबिन बोलते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा द टॉकिंग वेयर इन द केबिन, जो टॉफियां थी वो कहाँ थी, केबिन में थी, जो टॉफियां थी रखी हुई थी वो कहाँ रखी थी बेटा, केबिन में, सी ए बी आई एल, सी ए बी आई एल। ठीक है, तो हो जाएगा द टॉकिंग वेयर इन द केबिन। ठीक है बच्चों, ये लिख लेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका फोर्थ है, द कैप्टन से कैप्टन से कैप्टन से कैप्टन से क्वैक व्हेन द शिप बिगेन टू When the ship began to the captain said, यानी कप्तान ने, तो जहाज का कैप्टन होता है, कप्तान होता है, उसने कहा, the captain said, कप्तान ने कहा, quiet, ठीक है, When the ship began to move, ठीक है, जब जो है जहाज ने चलना शुरू किया, क्या हो जाएगा आपका, When the ship began to move, M O V E, ठीक है, The captain said, "Quick, when the ship began to move, ये हो जाएगा, इस तरह जो है आपका कंप्लीट सेंटेंस, ये आपका कंप्लीट हो गया। इसका और बी आंसर तो वाली क्वेश्चन दिया है, होमवर्क करिएगा बेटा। और आगे आपका सी दिया है, डू यू नो द लेटर आर द अल्फाबेट इन देयर राइट ऑर्डर, ठीक है, डू यू नो दिया था, डू यू नो द लेटर्स ऑफ सी एफ, डू यू नो द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, A L P H A B U T, अल्फाबेट इन देयर अल्फाबेट, डू यू नो द लेटर ऑफ अल्फाबेट इन देयर राइट ऑर्डर, इन देयर IR, इन देयर राइट ऑर्डर। ये दिया आपका, क्या डू यू नो द लेटर ऑफ द अल्फाबेट इन द राइट ऑर्डर, यहाँ पे तरह क्या आप जानते हैं कि अल्फाबेट के लेटर्स दिए गए हैं, ये आपको जो है राइट ऑर्डर में आपको करना है। फर्स्ट आपका है विच लेटर कम्स आफ्टर टी, ठीक है, विच लेटर कम्स आफ्टर टी दिया है, Which letter comes after, comes after T, Which letter comes after T? यानी कर बेटा कौन सा लेटर जो अल्फाबेट का आता है, कौन सा लेटर जो है क्या टी के बाद आता है, ठीक है, आफ्टर टी, ए टी के बाद विच लेटर कम्स, कौन सा लेटर आता है आफ्टर टी, यानी टी के बाद में,
ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर बैठते हैं तो आर यस टी, टी के बाद आपका यू आता है आर यस टी यू, ठीक है, टी के बाद में क्या आता है यू, तो हम इसे क्या लिखेंगे यू लिखेंगे, क्या यू यू आपका होगा, ठीक है, टी के बाद जो है यू आता है, आप कमेंट करेंगे तो आपका आर यस टी यू, टी के बाद आपका यू आएगा। तो आप सेकेंड नंबर आए विच लेटर कम्स बिफोर आर, विच लेटर कम्स बिफोर कम्स बिफोर आर, बेटा विच लेटर कम्स बिफोर आर, यानी कौन सा लेटर जो है आर के पहले, बिफोर आर, आर के अल्फाबेट में कौन सा लेटर आर के पहले आता है, तो आप देखेंगे आर के पहले क्या होता है, विच लेटर कम्स बिफोर आर, यानी कौन सा लेटर आर के पहले आता है, एम एच ओ पी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर, तो आर से पहले क्या आता है बेटा आपका क्यू, ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्यू, क्यू लिखेंगे क्यू, विच लेटर कम्स बिफोर आर आपका हो जाएगा क्यू, तो आपका विच इज द लास्ट लेटर, which is the last letter, which is the last letter, यानी कि अल्फाबेट में last letter जो अंतिम letter है वो कौन सा है, ठीक है, तो लिखना है आपको संक्षेप का अल्फाबेट का last letter जो रहता है जेड होता है, क्या होता है उसका जेड, तो यहाँ पर में which is the last letter राइट का मिसिंग लेटर, ठीक है, आपने यहाँ पर पहले लिखना है, ठीक है, तो इसमें आप जो है देखेंगे सबसे पहले आपका बी कंप्लेंट है और उसके तुरंत बाद आपका क्या है आर है, तो आर से पहले अल्फाबेट में आर से पहले जो लेटर है उसको आप लिखेंगे, ठीक है, आर से पहला जो लेटर आता है, आर से पहला जो लेटर आता है उसको आप लिखेंगे, तो आर से पहले का आपका क्या आएगा क्यू, ठीक है, अगर से क्यू आर, आर से पहले क्यू आता है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे क्यू लिखेंगे, क्यू के बाद आपका आर जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू के बाद आप लिखेंगे आर, क्या है क्यू के बाद आर, क्या है क्यू आर, आर के बाद आपका आएगा यस, आर के बाद यस आएगा, ठीक है, क्यू आर एस, एस के बाद अल्फाबेट में आप देखेंगे टी आता है, एस के बाद क्या आएगा टी आता है, ठीक है, तो पहले क्यू आर एस टी के बाद आपका यू दिया हुआ है, ठीक है, क्यू आर एस टी के बाद आपका यू आपका दिया है, तो यू के बाद आप देखेंगे वी और डब्ल्यू, आर एस टी यू वी
W ठीक है। इस तरह जो है आप मिसिंग लेटर को लिखेंगे। सबसे पहले आपका पिकअप बैग था और आप क्या होता है
What was in the hold? What was in the hold of the ship? In hold, what did they say? A part of ship where things are kept. एक अर्थात भाग टाइप का जहाँ चाहे भाग होता है जहाँ पर क्या रखे होते हैं वस्तुएं रखी जाती हैं, ठीक है? तो what was the hold of the ship? ship में जो है कहाँ रखते हैं? रखी गई थी क्या क्या चीज आपका पूछना है? आपका सेकंड क्वेश्चन है What were the sails? What were the sails? And the men? And the men? And the men? Men? Yes? What were the sails? And the men made up. And then all men is what is? किससे बनी होती है? हम तो क्या है? Third element. Who was the captain of the ship? Who was the captain of the ship? Who was the captain of the ship? यानी जहाज का कैप्टन कौन था? कप्तान जहाज का कप्तान कौन था? एंड लास्ट का बोलते हैं वाट द कैप्टन से वाट द कैप्टन से वाट द कैप्टन से कप्तान ने जो है कैप्टन ने जो है क्या कहा, ठीक है? चाहते हो फोर्थ क्वेश्चन है आपको जो का इस फोर्थ क्वेश्चन को होमवर्क के रूप में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वर्ड्स को कहीं द सेम वे आपका डी डी आई टू ब्लैंक चूजिंग अ पेयर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ये आपको कराया जाएगा। तो के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।